हम आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से पवित्र मंदिर। बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख हैं। भोलेनाथ सभी श्रद्धालुओं का मन का मनोकामनाएं पूरी करती है, इसी वजह से मनोकामना लिंग से भी प्रसिद्ध है ये मंदिर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो गाइज, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, इस व्लॉग में हम आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र मंदिर देवघर का, बाबा बैजनाथ धाम का। तो चलिए हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो फाइनली भोलेनाथ के दरबार बैजनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जो कि देख सकते हैं मेरे पीछे बैजनाथ धाम का मेन द्वार। इसी गेट से आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और सामने में आप लोगों को प्रसाद भी मिल जाएगा और यहां पे देख सकते हैं फूल वगैरह भी मिल जाएगा। तो क्या भैया, फूल का क्या इसका कितना पड़ता है? 10 का और 20 का। यहाँ पे आप लोग फूल ले सकते हैं। सामने में आप लोगों को काफ़ी सारा प्रसादी का दुकान मिल जाएगा। तो प्रसादी और फूल लेने के बाद हम चलेंगे मंदिर के अंदर और फिर आप लोगों को भोलेनाथ का दर्शन करवाएंगे। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को फिर से बता देते हैं कि मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार है वो यही है। गंगा जल जो है गाइस, आप लोगों को देख सकते हैं बोतल वाला मिल जाएगा। यही बोतल वाला गंगा जल आप लोगों को अंदर चढ़ाना पड़ेगा भोलेनाथ के शिवलिंग पर। भैया 20 रुपया में आप लोगों को ये गंगा जल मिल जाएगा और इसी गंगा जल को आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। यही है बैजनाथ धाम मंदिर का मुख्य द्वार। और आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग गेट पे भी गंगा जल ले सकते हैं और बीच में जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं आप लोगों को सामने में कुआं मिल जाएगा। ये भी कुआं का पानी गंगा जल ही कहलाता है। तो यहाँ से भी आप लोग पानी लेके भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। हम कर चुके हैं, पूजा करने के बाद ही हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें प्रॉपर ढंग से आप लोगों को बता पाए कि बाबा बैजनाथ धाम में आप लोग किस तरह से पूजा कर सकते हैं। गेट पे आप लोगों को फूल और गंगा जल मिल जाएगा। बोतल में जो गंगा जल मिला है वो आप लोग संकल्प जो है वो करवाने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं। यही है सीढ़ी, जिस सीढ़ी के माध्यम से आप लोग ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद आप लोगों को काफ़ी लंबा लाइन लगना पड़ेगा, भीड़ के हिसाब से लाइन लगना पड़ेगा। पर और जो है फूल जो है आप लोगों को अगर गेट पे नहीं भी मिलता है तो यहाँ पे भी आप लोगों को फूल मिल जाएगा। क्या भैया, क्या लेते हैं चार्ज यहाँ का फूल? अच्छा, 10 का 20 का फूल यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। फूल लेने के बाद आप लोग लाइन लग सकते हैं। चलते हैं, हम आप लोगों को ऊपर बताते हैं कि किस तरह से लाइन लगना पड़ता है। गंगा जल जो लेने के बाद संकल्प होता है वो देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है। पुजारी जी के द्वारा गंगा जल को जो संकल्प किया जाता है यहाँ के स्थानीय पुजारी जी के द्वारा, उसके बाद देख सकते हैं लाइन में लगने के लिए। हालांकि अभी सावन नहीं है, नहीं तो सावन के दिनों में सभी में लाइन लगना पड़ता। हालांकि अभी भीड़ कम है, इस वजह से इसी लाइन में लगने के बाद ही आप आगे तक जा सकते हैं। अगर आप इस लाइन में लगते हैं तभी आप भोलेनाथ के शिवलिंग तक पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इसी तरह का लाइन आप लोगों को लगना पड़ेगा। अब प्रॉपर ढंग से अगर आप लोगों को भोलेनाथ का यानी कि शिवलिंग का दर्शन करना है तो इसी लाइन में लगना पड़ेगा। भीड़ के हिसाब से अभी भीड़ बहुत कम है, लेकिन जब हम पूजा करने यहाँ पे आए थे उस समय भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, तो काफ़ी लंबा लाइन लगना पड़ा मुझे। उसके बाद भोलेनाथ के शिवलिंग तक पहुँचे। देख सकते हैं रास्ता कुछ इसी तरह का, सावन में काफ़ी भीड़ होता है, अभी भीड़ कम है। देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइन लगा हुआ है अभी। बोल बम हर महादेव, बोल बम बोल बम बोल बम हर
वहाँ से स्टार्टअप होते हैं अगर आपको तो एक राउंड लेके यहाँ तक आना पड़ेगा। हालांकि नीचे भी एक राउंड है, राउंड होते हुए आप लोगों को भोलेनाथ का शिवलिंग तक जा सकते हैं। हालांकि अगर आप लाइन नहीं लगते हैं तो भोलेनाथ का शिवलिंग तक नहीं जा सकते। इसके अगर भोलेनाथ के शिवलिंग तक पहुँचना है तो इस लाइन को लगना ही पड़ेगा। और देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु अभी भी इस लाइन में लगने के लिए आ रहे हैं। देखे दरबार का जिनको जो देना हो, हर हर महादेव, दरबार का भेटी देखे। गाइस, फाइनली भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। आप लोगों को बता दें कि यही है बाहर आने का रास्ता। उस रास्ते से होते हुए हम भोलेनाथ के शिवलिंग तक आए हैं और इस रास्ते से बाहर आ चुके हैं। आप लोगों को बता दें कि आधार से जो है थोड़ा ही ऊंचाई पर भोलेनाथ का शिवलिंग है और उस शिवलिंग में आज भी रावण का अंगूठा का निशान है। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा तो उस शिवलिंग में आज भी रावण का जो अंगूठा का निशान दिखेगा आप लोगों को। अंदर जो है वीडियो बनाने का परमिशन किसी को नहीं मिलता और भीड़ काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से हम ज़्यादा कुछ आप लोगों के लिए नहीं शूट कर पाए। मंदिर के अंदर का इस वीडियो एवं फोटो के लिए अलाउ नहीं है, इसी वजह से हम उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाए। लेकिन जितना मुझे संभव था हम आप सभी के लिए शूट किए। आप लोग ध्यान से भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। तो सर आप हम चलते हैं पार्वती जी का, भोलेनाथ के बाद पार्वती पे जल अभिषेक करना है तो चलते हैं पार्वती जी के स्थान पर और फिर हम आप लोगों को माता पार्वती जी का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे शक्तिपीठ पार्वती स्थापित है, भोलेनाथ के मंदिर के सामने में शक्तिपीठ पार्वती स्थापित है। ये मंदिर जो दिख रहा है आप लोगों को जिस पार्वती जी का है, तो आप गाइस हम चलते हैं इस मंदिर में और फिर हम पार्वती जी का दर्शन करते हैं और आप लोगों को करवाते हैं। गाइस काफ़ी भीड़ होने की वजह से दर्शन भी काफ़ी मुश्किल से हो पाया, वीडियो अंदर में बनाने के लिए नहीं दिया गया, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया और आप लोगों को दर्शन नहीं कर पाया। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे संभव हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को सभी जगहों को दर्शन करवाने का। आप लोगों को बता दें कि बैजनाथ धाम और पार्वती जी के मंदिर के बीच में जो है एक पवित्र धागा जो लाल धागा से बांधा गया है, जो कि इसका भी काफ़ी खास मान्यता है। अगर इसे भी अगर आप पुजारी जी से लेते हैं तो कुछ दक्षिणा देने के बाद ही आप लोगों को मिल सकता है। पुजारी जी, धागा का क्या मानता है बता सकते हैं? इस धागा का क्या मानता है? इसका जो भैया ही ना वो काम को पूरा होगा। कहाँ का मोबाइल नंबर है? ऊपर वाला शिव जी और पार्वती जी का, शिव जी का पार्वती का, शिव और पार्वती का। भोलेनाथ सभी श्रद्धालुओं का मन का मनोकामनाएं पूरी करती है, इसी वजह से मनोकामना लिंग से भी प्रसिद्ध है ये मंदिर। यहाँ पर रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि सावन के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत से, भारत के सभी कोने से सावन के दिन में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, उम्मीद से भी आंकड़ा बढ़ जाती है। गाइस अभी भी देख सकते हैं, अभी भी कोई पूजा नहीं है लेकिन आज के डेट में भी लाखों श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। आप लोगों को पता था कि रोजाना यहाँ पे लाखों से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं।
रात में जब श्रृंगार पूजा होता है और अन्य भी कोई भी पूजा होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एलईडी, इस एलईडी के माध्यम से श्रद्धालुओं बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से अंदर से श्रद्धालु अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे दो एलईडी लगा हुआ है जिस एलईडी के माध्यम से अब अंदर में भोलेनाथ के ऊपर जो भी चढ़ावा चढ़ता है या पूजा होता है वो सभी चीज़ इस एलईडी के माध्यम से दर्शन कर सकते। भोलेनाथ और पार्वती जी के मंदिर के अलावा भी यहाँ पे और भी काफ़ी अन्य देवी देवताओं का मंदिर है, तो वैसे एक एक करके सभी मंदिर में हम जाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। हालांकि सभी मंदिर के अंदर वीडियो बनाने का परमिशन नहीं है, लेकिन जिसमें भी परमिशन होगा आप लोगों को हम जरूर दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हमें महाकालेश्वर भैरव मंदिर के अंदर सबके आप लोगों को महाकालेश्वर भैरव मंदिर के अंदर दर्शन करवाते हैं। आप लोगों को यहाँ पे स्थानीय पुजारी जी, पुजारी जी कुछ बताइए। तो ये महाकाल भैरव है जो बाबा को मनाते हैं, यहाँ का महामंदिर गाए जाते हैं महाकाल भैरव जी। आप लोगों को हम बैक कैमरे से महाकालेश्वर भैरव जी का दर्शन करवाते हैं। बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख हैं। ज्योतिर्लिंग महादेव हैं, इनकी दर्शन पूजा करने से मनोकामना सिद्ध होती है। बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों से सबसे प्रमुख है। इदम श्री कामना लिंगम सर्व काम फल प्रदान। रावण इसको लंका ले जा रहा था, लंका नहीं गए, सोना का लंका ले जा रहा था इनको, जो चलिए सोना का लंका न रहिएगा वही आपकी पूजा रोज करेंगे, लेकिन वो नहीं गए। रावण शंकर जी का बड़ा भारी भक्त था, रोज लंका से आता था पूजा करने, कैलाश पर्वत उठा के नाचता था। भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोलो क्या मांगते हो, तो रावण ने मांगा कि आप लंका चलिए वहीं पर आपका मंदिर भव्य मंदिर बनाए। तो ठीक है हम जाएंगे, लेकिन रास्ते में कहीं रखना नहीं। बोला ठीक है। अभिमानी था, बलशाली था, शिवलिंग उठाया और आकाश मार्ग से लंका की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको पेशाब लगा, तब शिवलिंग लेकर पेशाब तो करता नहीं क्योंकि साक्षात वरुण देव उसके पेट में समा गए थे। फिर पृथ्वी पर उतारा अपना विमान और एक ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण का हाथ में शिवलिंग देकर और पेशाब करने लगा। पेशाब करने लगा तो करता ही रहा, तब तक बूढ़ा ब्राह्मण जो थे वो विष्णु भगवान थे, ब्राह्मण का रूप में आए थे और उन्होंने यहीं पर सती के हृदय पर उनका स्थापना किया। इस धाम को हृदयापीठ भी बोला जाता है। यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग सती के हृदय पर है। और उसके बाद जब रावण रघुशंका से निवृत्त होकर आया तो देखा भगवान तो वहाँ स्थापित हो चुके हैं। बहुत हिलाया डुलाया, बहुत बल लगाया, लेकिन टस से मस नहीं हुए। तो फिर भगवान प्रकट हुए, बोले हम तुम्हारी
भक्ति से प्रसन्न है, बोलो क्या मांगते हो। तो रावण ने कहा कि ये धाम हमारे नाम पर हो। तो बाबा बैद्यनाथ को रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। देखो वहाँ लिखा है ना, उसका भी फोटो ले ले। हाँ, बहुत बड़ा कहानी है ना इसका। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि आज भी रावण का जो उंगली का निशान है शिवलिंग में है। वो जो है ना, जब नहीं उठे ना, हाँ, तो खिसिया के अंगूठा, हाँ हाँ, अंगूठा से दाब दिया, पाताल चले गए पाताल। अच्छा, बहुत कम दिखते हैं। हाँ, वो तो है ही, आज भी है ना। अच्छा, और जो है सो यह भी है कि सब जगह आप शिवलिंग को ऐसे छूते हो ना। हाँ, लेकिन यहाँ इस तरह छूने का महत्तम है। अच्छा, इस तरह छू के प्रणाम कर लो, उसी में वो खुश है ना। औंठा से ना, औंठा से छूने के बाद प्रणाम कर लेने माता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें देवघर के शिव गंगा के पास, जो कि देख सकते हैं यही है देवघर का शिव गंगा। यहाँ का भी गंगा जल काफ़ी शुद्ध माना जाता है। अगर आप सुल्तानगंज से गंगा जल लेके आते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं लेके आते हैं तो ये शिव गंगा से भी गंगा जल लेके जाके भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। यहाँ का भी गंगा जल काफ़ी शुद्ध माना जाता है। सो गाइस, तो भोलेनाथ का दर्शन आप लोगों को करवा दिए हैं। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अगर इंस्टा आईडी पर नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।